Yes, ma'am. Yes. So here in a velocity filter, we are applying the electric field and magnetic field simultaneously. It means that we are applying the cross configuration. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई करेंगे सो दैट इट विल बी बैलेंस द चार्ज पार्टिकल. तो क्या किया जाता है फॉर दैट वी आर कंसीडर द टू मेटल प्लेट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी. ओके, नाउ व्हेन पोटेंशियल वी इज अप्लाइड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड हियर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट मीन्स ए टू बी. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. क्लियर? और एट द सेम टाइम इस पर एक कॉइल ऑन किया जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा इन बिटवीन दिस टू मेटल प्लेट्स. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने किससे दिखाया है, क्रॉस करके दिखाया है. ठीक है, लेट अस असम दैट कि पहले एक भी फील्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ प्रेजेंट नहीं है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ लेट अस असम दैट द इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स अ इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, है ना, एंड इट विल बी स्ट्राइक एट पॉइंट पी. क्लियर? यस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, वो सीधा चला जाएगा, सीधा जाएगा. यही यहाँ पे हमने लिखा है. देखो, the velocity filter is a device which uses electric and magnetic field in a cross configuration for selecting a stream of charged particles of a single velocity from a beam of charged particles having a wide range of velocity. ab lekin yahan se jab jayega to usko different velocity hogi, hai na. suppose a beam of electron having the velocity small v plus minus delta v. delta v means a variation in the velocity. to ye jyada ho sakti ya कम हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन दिया है. सो सपोज किया हमने कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी, व्हेन इट एंटर्स इन अ क्रॉस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन द वेलोसिटी फील्ड ई इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन बाय अ सेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट्स एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू ई. जैसे कि किस तरीके से किया जाता है, वी आर अप्लाई द टू मेटल प्लेट्स हियर. When potential applied, one of the plate become positively charged and another becomes negatively charged. And due to this, electric field is generated here. Here the coil is on this metal plates, and that's why, अगर coil में से current pass होता है, तो हमें पता है कि उसके surrounding में क्या होता है, magnetic field generate होता है. In this way, यहाँ magnetic field भी generate हो रहा है इन दो plate के बीच में. It means that we are applying here the electric field and magnetic field perpendicular to each other, and we know the electric field deflects the electron upward direction with the force F of E equals to E into E. क्योंकि electron negatively charged particle है, तो क्या होगा, वो parabolically वो किसकी तरफ से divert होगा, वो positive plate की तरफ move होना start हो जाएगा. The electric field deflects the electron in upward direction with the force F of E equals to this. अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल बी मूव विद अ फोर्स ई वी बी. अब हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील्ड को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो. मीन्स द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस ईच अदर. अगर ये बैलेंस होता है तो क्या होगा, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, इट मीन्स दैट राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देते हैं, देन यू गेट ई इक्वल्स टू ई वी बी. दैट इज फ्रॉम दिस ई कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा, वी इक्वल्स टू ई बाय बी. नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, द इलेक्ट्रॉन नाउ मूविंग विद द वेलोसिटी वी आर नॉट डिफ्लेक्टेड एंड कंटिन्यू टू ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट पाथ थ्रू द स्लिट एट पॉइंट डी. समझ में आया? अगर हमने दोनों के मैग्नीट्यूड बैलेंस कर दिए तो इन दैट व्हाट हैपेंड, वी गेट अस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ वेलोसिटी वी इक्वल्स टू ई बाय बी. अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने कहा था कि देयर वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्पीड्स सबकी डिफरेंट है. अगर डिफरेंट है, ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल
if electrons moving with the velocity v minus delta v, means ye jo aapki original speed hai v, usse kam hai, it will be deflected upward along a OQ. यानी वो किसके तरफ जाएंगे, इस डायरेक्शन से मूव होंगे, ओके, OQ के डायरेक्शन से मूव होंगे. अगर उनकी स्पीड ज्यादा है, दोस मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, दे विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड अलोंग अ OR. द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड अवे आर एब्जॉर्ब बाय द स्लिट वॉल्स. तो हमें इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर कि सिर्फ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, दोस आर ट्रेवलिंग विद अ सेम वेलोसिटी, दैट इज अ v इक्वल्स टू क्या रहेगा, e बाय v. वही इलेक्ट्रॉन्स हमें स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मिलेंगे. बाकी कैसे हो रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड कम है तो वो इस डायरेक्शन से गए, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड ज्यादा है वो इस डायरेक्शन से गए, और ये इट विल बी एब्सॉर्ब. ओके, यस. स्पीड ज्यादा रहने की वजह से मैम नीचे जाएंगे ना, मैम नीचे गए ना वो. हाँ, इस साइड से गए और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इस साइड गए हैं. तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्रीन दी है वो एब्सॉर्ब कर लेंगे इन दोनों को, बट यहाँ से जो जा रहे हैं वो. और यही कंसेप्ट हम सीआरटी में यूज करते हैं. आगिशा के आपको वो भी पढ़ना है ना. दस strictly homogeneous, homogeneous means जिनकी velocity की, जिन जो electron की speed कितनी है by b, वही हमें along OP मिलेंगे, okay? Thus strictly homogeneous single velocity electron beam traveling along OP is obtained with the help of crossfield. This arrangement therefore is known as velocity filter or velocity selector. देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास सभी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी स्पीड ज्यादा थी, जिनकी स्पीड कम थी, इन सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे था. बट हमें फाइनल में क्या मिला, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मिले कि जिनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, e by b. मीन्स हमने उसको फिल्टर किया, छान लिया, और हमको छानने के बाद ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मिले कि जिनकी वेलोसिटी कितनी है, ई बाय बी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी फिल्टर. एनी डाउट? और इसी पर एक एक्सपेरिमेंट सेट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ थॉमसन्स ई बाय एम रेशियो. दिस मेथ थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ई बाय एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉलेज में अगर आते थे तो आपको ये खुद परफॉर्म करना पड़ता था एक्सपेरिमेंट. मेरे पास सेटअप भी दिया हुआ है. इसमें क्या किया इन्होंने, ये देखो, ये दो मेटल प्लेट्स लिए हैं, यहाँ दो वायर्स के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, साथ में यहाँ मेथड है ना मैम. हाँ, थॉमसन मेथड, ये फर्स्ट में भी पढ़े हो आप लोग. थॉमसन तो साइंटिस्ट, यस मैम, थॉमसन तो साइंटिस्ट है ना मैम. हाँ, थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है. और उन्होंने क्या काम किया, तो उन्होंने हमें E by M रेशो की वैल्यू कितनी आती है वो कैलकुलेट करके दिया, या कह सकते आगे जाके आपको है ही कि उन्होंने क्या किया है ऐसा स्पेशल इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ E by M. E मीन्स क्या होता है, चार्ज, M मीन्स क्या होता है, मास. तो E by M रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव. ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव. वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है, वेरी गुड. और मास कितना है, 9.1 × 10⁻¹. वेरी गुड. ठीक है, so this is E by M. फिर इनका रेशियो निकाल कर कितनी वैल्यू आती है, ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, तो थॉमसन ने किया है. फॉर दैट द कंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस, ही कंसिडर अपैरेटस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड एज अ कैथोड रे ट्यूब. उन्होंने क्या किया, एक सीआरटी लिया है. द कैथोड सी एंड अ सिलेंड्रिकल एनोड ए इज अरेंज एट वन एंड ऑफ द ट्यूब.
यहाँ पे ये कैथोड है और यहाँ पे एक एनोड दिया है, यहाँ एनोड दिए हुए हैं। When the high potential difference is applied between the cathode and anode, electrons are emitted from the cathode called as cathode rays. जब potential applied करेंगे तो we know that cathode means negative terminal and anode means positive terminal. जब भी हम potential apply करेंगे तो क्या होगा, ये electron gun जो है it emits the electrons. और इस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें जो बी मिलता है उसको हम कहेंगे कैथोड रेस, ठीक है। दिस रेस पास थ्रू द सिलेंड्रिकल एनोड ए एंड अ फाइन इलेक्ट्रॉन बीम इज ऑब्टेन्ड व्हिच स्ट्राइक्स ग्रेन एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरस का कोटिंग किया जाता है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक होगा तो हमें एक स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। और हमें प्रेजेंस, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं क्या, नहीं, बट इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ स्पॉट। अब ये स्पॉट कैसे दिखेगा हमें, यहाँ पे जो सीआरओ की स्क्रीन है उस पर हम फॉस्फोरस का कोटिंग करते हैं एंड दैट्स व्हाई जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, एक स्पॉट दिखाई देगा, एक ग्लो दिखाई देगा एंड दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि अरे हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर पोजीशन दिया है इलेक्ट्रॉन का हम वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो हियर द टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स पी एंड क्यू आर अरेंज्ड टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द रीजन बाय प्लेसिंग द सीआरटी बिटवीन द टू पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट। A downward magnetic field is applied simultaneously over the same region. हम यहाँ पे electric field और magnetic field simultaneously apply कर रहे हैं। अब जो electron धीरे धीरे जा रहे हैं जिनकी speed कम है तो क्या होगा, वो हमें upper वाले side में दिखेंगे, जिनकी speed बहुत ज़्यादा है तो हमें यहाँ नीचे दिखेंगे, और जिनकी speed v equals to e by b है वो हमें यहाँ इंटर में दिखेंगे, बस यही यहाँ पे हमें दिखाना है। Now, initially when the no electric field and magnetic field applied, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखे, सेंटर में दिखेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब अच्छा। जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो सीधा जाएगा और सेंटर पे जाके स्ट्राइक करेगा, कहीं पर भी अट्रैक्शन नहीं है ना, बिकॉज देयर इज अ नो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। Clear? Yes, sir. Okay. So initially, when a no electric and magnetic field is applied, the electron impel strikes at the center of the screen, and the fluorescent spot is at the center of the screen. तो हमें क्या मिलेगा? जब electric field भी नहीं है, magnetic field भी नहीं है, तो हमें spot कहाँ पे मिलेगा? Center में. Okay. When the electric field is applied, the electron will be deflected in an upward direction and the fluorescent spot will move in an upward direction of the screen. Agar humne electric field apply kiya to kya hoga, it will be attracted towards a positive plate ki taraf, magnetic field karte hain electron will move in a downward direction kyunki uska influence zyada hai and we know when the electron move इफ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इसलिए हमें वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फ्लोरोसेंट स्पॉट विल बी मूव इन अवर्ड डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीन। ये समझ में आया आपको? देखो, व्हेन देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल बी मूव एट सेंटर में दिखाई देगा। अगर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, विल बी अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड नीचे होगा, मैं नीचे डायरेक्शन, विल बी मूविंग
डायरेक्शन। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना है एंड सो दैट इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन विल बी मूव विद वेलोसिटी ई बाय डी। ठीक है, यही यहाँ लास्ट वाले लाइन में बताया है। When both the fields are applied simultaneously, such that the electric force on the electron beam is equals to the magnetic force, then their effects will be cancelled and the spot will come back to its original position. And in this condition, we can calculate the E by M ratio. और वो E by M ratio कितना आता है बताओ तो जरा? Calculate करो बरु। कितना आता है? -1.75 into 10 to the power 11 kg inverse। यस, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1.75 into 10 to the power minus 10 to the power 11। हाँ। प्लस 11 की माइनस 7। प्लस 11। प्लस 11। ओके। और इसका यूनिट क्या रहेगा? केजी इनवर्स, कोलम पर केजी इनवर्स, कोलम पर केजी। हाँ ठीक है, समझ में आया? कोलम का सी कैपिटल, एक बार फिर से बता दियो कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल जाएंगे, तो साइमल्टेनियसली आप वर्कआउट करना शुरू करो, क्योंकि फिर बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है। ओके, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज लॉ। ये भी आप लोगों को ट्वेल्थ में था, किसी को याद है क्या? स्नेल्स लॉ को याद है? हाँ मैम, स्नेल्स को तो है। हम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कांसेप्ट लेते हैं, बस वैसा ही है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और वो लाइट के लिए है, इतना सा ही डिफरेंस है, और थोड़ा सा रीजन का। अच्छा, रेयरर रीजन, डेंसर रीजन, ये कांसेप्ट पता है आप लोगों को? यस मैम। डेंसर यानी क्या होता है? जो अंदर का होता, ग्लास मीडियम रहता है। नहीं समझ में आया? अंदर जो डेंसर होता है। हाँ, तो डेंसर यानी क्या होता है? जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी इन द सेंस वहाँ पे पार्टिकल वो बहुत पास में होते हैं, डेंस, तो हम उसको डेंसर कहते हैं। और रेयरर यानी जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा सा एक्युमुलेशन दूर दूर होता है, उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। क्लियर? डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। अब यहाँ पर जब भी हम लाइट कहते हैं, व्हेन द लाइट इज एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट स्लोस एंड वेंट्स टू द नॉर्मल। लाइट में क्या होता है, जब लाइट एंटर होता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो क्या होता है, इट स्लो डाउन, स्पीड उसकी कम रहती है। क्लियर? और वो बेंड होता है नॉर्मल की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा उल्टा होता है इससे। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम, अब इलेक्ट्रॉन में हम थोड़ा सा स्पीड के रिलेटेड लेंगे और पोटेंशियल के रिलेटेड लेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है लोअर टू हायर पोटेंशियल, देन इट एक्सीलरेटेड एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मीनिंग क्या है वही हमें यहाँ पे पढ़ना है।
क्लियर, बहुत आसान डेरिवेशन है ये। कंसिडर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ए पी, ये डायग्राम पहले समझ लो। हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया कि जहां पे दोनों पोटेंशियल सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने अज्यूम किया V1 पोटेंशियल और यहाँ पे अज्यूम किया V2 पोटेंशियल, लेकिन कंडीशन क्या रखी है हमने, जो V2 पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू V1। क्लियर, अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं हम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ फिर वो, ये बाउंड्री सरफेस है आपकी AB, अगर वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के है तो क्या फर्क पड़ेगा, यही हमें यहाँ पे बिथर्स लॉ में एक्सप्लेन करना है। कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन, समझ लो ये। देखो लाइन बिहाइंड लाइन समझने की कोशिश करो इसमें। कंसिडर वन इक्विपोटेंशियल सरफेस ए बी, presently it is acting as a boundary separating a two region across which potential V1 apparently changes to V2, means suddenly change हो रहा है, apparently means क्या होता है suddenly, पहले यहाँ तक क्या था V1 potential था, यहाँ इस region में potential कितना है V1, और जैसे ही boundary को हम cross करते हैं तो potential क्या आ गया V2, means sudden change है ये, इसको कहते हैं हम सडन चेंज, अपरेंट चेंज, ठीक है। सो व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सॉरी अज्यूम दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, लेट द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम अ रीजन 1 विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V1 एंड एंटर्स अ रीजन 2, द वेलोसिटी कैन बी रिजल्टिंग टू टू कंपोनेंट, एज द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू AB it experiences a force which alters its velocity because the electric field exists only in a vertical direction, Vy undergoes a change whereas the tangential component Vx remains unchanged. The resulting velocity V2 is different than V1. If V is greater than V1, Vy increases. Ab dekho beta. यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर कंसिडर द रीजन विद पोटेंशियल V1 एंड V2, इलेक्ट्रॉन फील्ड किस पर डिपेंड हो रहे हैं, पोटेंशियल पर, क्लियर। अब यहाँ पर V1 रीजन दिया है और V2, कंडीशन क्या दिए है, V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ पोटेंशियल रीजन V1 पोटेंशियल रीजन V2, तो यहाँ उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि V1 कांस्टेंट है ऊपर वाले रीजन में, और यहाँ ये कौन सा स्पीड से मूव हो रहा है, V2, क्लियर, क्योंकि देयर इज अ सडन चेंज हियर, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन द Vy इंक्रीजेस, सिंस V2 इज अज्यूम ग्रेटर देन V1 द इलेक्ट्रॉन पाथ इज बेइंग नियरर द नॉर्मल, जैसे ही वो यहाँ से यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहा है विद वेलोसिटी भी, लेकिन जैसे ही एंटर करता है कहाँ रीजन 2 में, अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल बी बेइंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करेंगे और यहाँ पर उसको दो कंपोनेंट में रिसॉल्व कर देंगे, क्लियर, अलोंग एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन V2 इज ग्रेटर देन V1, Vy इंक्रीजेस सिंस V2 इज अज्यूम ग्रेटर देन अ V1, इलेक्ट्रॉन पाथ इज गेन नियरर टू द नॉर्मल, द इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन दैट ऑकर्स एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट लाइट रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट अ बाउंड्री ऑफ रेयर टू डेंसर मीडियम,
ऐसे ही सेम केस किसमें होती है, लाइट रिफ्लेक्शन में भी होता है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हो रही है. एज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज, यहाँ पे vx इक्वल्स टू vx रहेगा. इसका मतलब हमने देखो इसको दो कंपोनेंट में किया है, vx इक्वल्स टू v1 sin थीटा 1 और इसको vy इक्वल्स टू, मैम स्नेल लॉ में तो ऐसे रहता है मैम, v1 हाँ sin थीटा 2 और v2 sin, हां हां वही यहां पे यूज कर रहे हैं हम. तो अजून क्या हमने इसका एक कंपोनेंट vx v1 sin थीटा 1 है और ये भी vx dash equals to v2 sin of theta 2 है. ये दोनों कंपोनेंट अनचेंज है, मींस हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं. इसीलिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा v1 sin of थीटा 1 equals to v2 sin of थीटा 2. ठीक, अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, sin of थीटा 1 is equals to sin of theta 2 equals to v2 on v1 आ गया. ठीक है, चलो कागज पेन निकालो, लेके बैठे हो ना सभी लोग? यस मैम. बाकी का कंस्ट्रक्शन पार्ट आप बाद में लेना, सिर्फ हम कैसे आया वो खुद करके देखते हैं. हमने इक्वेशन लिखा v इक्वल्स टू, सपोज इसको vx डैश बोल दो, vx इक्वल्स vx डैश, vx कितना दिया है हमने, v1 sin of power और vx dash equals to क्या लिखा हमने, v2 sin theta. अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, v2 sin theta डन मार, तो क्या इक्वेशन मिला आपको, या मैं ऐसा कहती हूँ sin theta 1 upon sin of theta 2 equals to v2 upon v1. ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो कुछ. अब लिखो we know that, we know that, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने फॉर्मूला यूज किया था हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई इनटू वी. यस, इसके पहले यूज किया था हमने, यस मैम, वही फॉर्मूला अभी यहाँ यूज करना है. तो क्या आएगा आपका, half of m v1 square equals to e v1 और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये देखो ये भी जो है ये वेलोसिटी है और ये जो भी है ये पोटेंशियल है, समझ में आ रहा है? yes, ये भी वेलोसिटी है मैम, ये पोटेंशियल, हाँ जो कैपिटल भी दिख रहा है आपको ये क्या है, पोटेंशियल है, और ये स्मॉल भी जो दिख रहा है दैट इज वेलोसिटी. मैं इसको सिंपल थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, आप लोग करो आगे का. तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ई टाइप्स ऑफ वी वन and half of m v2 square equals to क्या आ जाएगा, e upon v2. ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करो, एक स्टेप या बढ़ा देते हैं हम,
साइमन थीटा साइड टू होल ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, दोनों साइड से हम डिवाइड करते हैं तो 1/2m कैंसिल हो जाएगा मैम, 1/2 हां ये e भी कैंसिल हो जाएगा, हां मैम v1 अब देखिए हमारे हां तो हमें क्या मिलेगा 1/v2/v1 इक्वल्स टू स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखू तो चलेगा ऐसा v2 v1 डायरेक्ट ऐसे तो लिख ही देंगे। अच्छा, ओ, मतलब हाँ, रुक, हाँ, चलेगा मैम। अच्छा मैं ऐसा लिखती हूँ, ठीक है। गलत किया क्या मैंने, ये इस साइड से है ना, सही है। मैम ये फर्क तो नहीं पड़ता मैम, v2/v1 लिखे या v1/v2, लेकिन आगे जाके अपने को v2/v1 है ना तो वो आसान रहता है, इसीलिए मैंने पहले से ही यही लिया। ठीक है, जब भी हम पार्टिकल्स को यहाँ मूव हो रहे हैं इस पर कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? पार्टिकल यहाँ से यहाँ अगर चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी भी वेरी हो रही है, बट इस डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, इसलिए इन दोनों कंपोनेंट को हमने इक्वल कहा है। समझ में आया? लेकिन यहाँ वेरिएशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड, इसीलिए इट विल बी ट्राई टू मूव इन द सेम पोजीशन, और इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं लेकिन इनको नहीं। क्लियर मैम? पोटेंशियल तो दोनों तरफ अलग अलग है ना, यहाँ पर जो रीजन है कॉन्स्टेंट है। ये देखो अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं इस डायरेक्शन में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। ये इस साइड में भी है लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लेती हूँ तो यहाँ पे भी वन है लेकिन ये सही यहाँ पे भी टू है, लेकिन मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करती हूँ इस साइड से तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, बट वाई साइड में क्या होता है एकदम से चेंज आ जाता है वेलोसिटी में क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है मैम, अंडरस्टैंड? यस मैम। ये स्मॉल v2 है, this indicates that the Snell's law in optics, ये क्या indicate कर रहा है optics का Snell's law, but the difference that order of velocities are reverse, वहाँ पे क्या लेते हैं हम v1/v2 लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है v2/v1 आ रहा है, समझ में आ रहा है? And so we can say that when the light enters from the rarer to denser medium, it slows and bends to the normal, but when electron enters from the lower to higher potential, it is accelerated and is bent towards the normal. This is all of the Vithe's law, which is very important. Clear?
नेक्स्ट लेक्चर में हम सीआरओ क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, ये तो हम क्लास अभी यही एंड करते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, कोड शेयर कर दूंगी पीजी ग्रुप पर। जिन लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ऑल क्वेश्चंस वो पोस्ट कर देंगे, लेकिन जो गलती आपने लास्ट टाइम की वही आप नहीं दोहराओगे। यू फर्स्ट राइट योर नेम, योर रोल नंबर प्रॉपरली। पीडीएफ बनाते वक्त भी आप उसको लेबलिंग करोगे और हर एक जो पेज है उस पर भी आपका नाम आना बहुत जरूरी है। मैम अदरवाइज हर एक पेज पे कैसे नाम लिखना रहेगा? तो हर एक पेज पर लिखो अपने नाम एक ही में, मतलब मैम